हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रेमसीजी कुकिंग रेसिपीज। आज मैं लौकी की सब्जी बना रही हूँ। आप में से जो लोग लौकी खाना पसंद नहीं करते हैं, एक बार मेरे तरीके से इस सब्जी को बनाकर देखिए, आपको जरूर पसंद आएगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लौकी की सब्जी बनाने के लिए प्रेशर कुकर मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। आज हम सब्जी को प्रेशर कुकर में बनाएंगे। इसमें ये बहुत जल्दी बन जाती है और इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून तेल। तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे 1 तेजपत्ता और 1 सूखी लाल मिर्च। इसी के साथ 1 दालचीनी और 1 बड़ी इलायची भी ऐड कर देंगे। कुछ सेकेंड के लिए इसे फ्राई होने देते हैं। अभी हम इसमें प्याज डाल देंगे। 1 मीडियम साइज का प्याज लिया है मैंने। इसे हम हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज हमारा हल्का ब्राउन हो गया है और इसमें मैंने डाल दिया है 1 मीडियम साइज टमाटर। थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और टमाटर को सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए इसे हम कवर कर देंगे ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो 1-2 मिनट के लिए मैंने इसे ढक दिया था और आप देख सकते हैं टमाटर अभी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अभी हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके साथ कुछ मसाले भी ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। मसालों को 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाले जले नहीं। तो मसालों को मैंने अच्छे से भून लिया और अभी इससे तेल भी अलग हो रहा है। अभी हम इसमें डाल देंगे लौकी। लौकी को मैंने ऐसे टुकड़ों में काट लिया है। इसी के साथ डाल देंगे थोड़े से आलू। आलू मैंने क्यों डाला है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी हम सब्जियों को मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। सब्जियों को मैंने मसालों के साथ पका लिया और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि पानी एकदम कम डालना है। मैं 1/4 कप ऐड कर रही हूँ क्योंकि लौकी बहुत मात्रा में पानी रिलीज करती है, तो ज्यादा पानी ना डाले। अभी हम प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसे हाई फ्लेम में 4 सीटी आने तक पकाएंगे। तो 4 सीटी मैंने लगा लिया। अभी हम गैस बंद कर देंगे और इसे कुछ देर के लिए छोड़ देंगे ताकि इसकी जो प्रेशर है वो अपने आप रिलीज हो जाए। तो 5 मिनट के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था और अभी इसकी प्रेशर भी रिलीज हो गई है। अभी हम सब्जी को चेक कर लेंगे। 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेते हैं इसे। अभी हम क्या करेंगे, जो आलू हमने डाला था उसे मैश कर लेंगे। इससे क्या होगा, सब्जी की जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी और ये खाने में अच्छी लगेगी। तो हमारी सब्जी बनकर तैयार है। इसे आप ऐसे ही सर्व कर सकते हैं और अगर इसे और भी मजेदार बनाना है तो नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करें। एक तड़का पैन लेकर इसमें 1 टीस्पून घी गरम करेंगे। घी गरम होते ही इसमें हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून हींग और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। गैस का फ्लेम अभी लो कर दें और इसे जल्दी से मिक्स कर लें। इस तड़के को हम डाल देंगे सब्जी के ऊपर। ऐसा करने से आपकी सब्जी का टेस्ट भी दुगना हो जाएगा और ये दिखने में भी अच्छी लगेगी। इस सब्जी को आप रोटी या राइस दोनों के साथ ही सर्व कर सकते हैं। तो एक बार इस तरीके से लौकी को घर पर बनाकर देखिए, आपको जरूर पसंद आएगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी एंड हैप्पी कुकिंग।